तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीएस लैंप एजुकेशन में। जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि अपना जो सीरीज है वो कंटिन्यूसली सोशियोलॉजी जो ऑप्शनल है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल का अपना जो है ना पॉपुलेशन जो डायनेमिक्स है उसका टॉपिक ये चल रहा है। अभी आई थिंक एक से दो लेक्चर और बचा हुआ, फिर आपका पॉपुलेशन डायनेमिक्स आपका टोटल खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप अपना मतलब सिलेबस से आप मैच कर लेना। अगर आपको लगे कि उसमें कोई भी टॉपिक छूटा हो तो मैंने एक एक टॉपिक को यहाँ पर क्लियर करके रखा। इसके भी यहाँ पे अगर आपको लगे कि नहीं सर आपने ये छोड़ दिया या कुछ भी ऐसा, तो आप क्या कर सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट कि इसमें मैंने क्या कहते हैं करेंट का पूरा मसाला मैंने डाल दिया, जिससे आपको क्या ना जब आप कोई क्वेश्चंस करोगे तो आपको करेंट का भी प्रॉपर नॉलेज हो, आपको लगे कि हाँ आपको ये चीज आता है, ठीक है। तो ये दो चीज आपका इसमें ये इस टॉपिक में आपको पूरा है पॉपुलेशन डायनेमिक में। थर्ड चीज इसमें क्या है ना, पॉपुलेशन डायनेमिक के रिलेटेड एक पॉपुलेशन सेंसस है, वो करेंट पूरी तरीके से 2021 के बेसिस पे, तो उसको मैंने एक अलग से टॉपिक के रिगार्डिंग मैंने उसको ले लिया है, जो मेरे आपको आपके मेरे चैनल पे ही मतलब आपको वो मिल जाएगा। तो आप जाके क्या कर सकते हो, जो जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिगार्डिंग है वहाँ पे आप जाके देखना, आपको वो भी लेक्चर वहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें मैंने पूरा सेंसस आपको क्लियर किया है अप टू डेट। मतलब ये मान लो कि अभी तक जब जो जो चीज़ों सारा चीज़ मैंने वहाँ पे अप टू डेट किया, तो उसी के भी यहाँ पे अभी हमारा अपना ये 8वां लेक्चर है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो पॉपुलेशन डायनेमिक्स अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ा, इससे प्रीवियस जो टॉपिक हमारा क्या था, टॉपिक क्या था, क्या था कंसेप्ट, किसके रिगार्डिंग था, कंसेप्ट ऑफ जो सोशल स्ट्रक्चर एंड वन मिनट सोशल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी। तो देखो फर्टिलिटी इसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक एक चीज पता है, पीछे आप चेक करना, अगर आपको उसमें लगे कि नहीं सर आपने क्या होता है मुझे नहीं समझ आता, आप क्या कर सकते हो आप मुझे बता सकते हो। लेकिन मैंने एक एक चीज मतलब ये है कि मैंने पूरा बेसिक लेवल्स वहां पे कंप्लीट किया, तो जिसमें मैंने अभी आपको थोड़ा सा और मैं ओवरव्यू देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कंसेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी में मैंने आपको दो से तीन चीज बताया हुआ था। सबसे पहला चीज मैंने आपको क्या बताया था कि किसने इसको मतलब एक तरीके से दिया हुआ था, किसने इस कंसेप्ट को मतलब एक तरीके से प्रोनाउंस किया हुआ था, तो ये मैंने आपको बताया था कौन थे, डेविस एंड ब्लेक के थ्रू इनको क्या कर दिया गया, इस कंसेप्ट को दिया गया था। ये एक तरीके से बोला कि ये एक अनदर रीजन जो जो थ्योरी था, एक ये अलग से मतलब ये भी कह सकते हैं कि एक ये अलग थ्योरी था जिसने मतलब ये बोला जाता है कि जो एक्सप्लेन किया था कि इसको रीजन बिहाइंड द पॉपुलेशन चेंज। अभी हम लोग पीछे जो 4 से 5 लेक्चर देखे थे, 4 से 5 जो टॉपिक देखे थे पॉपुलेशन चेंज के रिगार्डिंग, वही यहाँ पे ये भी बोला है जो कंसेप्ट सोशल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी में भी एक तरीके से एक रीजन था किसको एक्सप्लेन करने का पॉपुलेशन चेंज को। तो देखो इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि जो इन्फ्लुएंस जैसे ओवर फर्टिलिटी के रिगार्डिंग हो गया, या जो भी फर्टिलिटी के इन्फ्लुएंस के रिगार्डिंग जो जो भी मतलब वो इंपॉर्टेंट होता है, जैसे पॉपुलेशन ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया, किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में वहां पे वो एक्सप्लेन कर था। तो उसी बेसिस पे डेविस एंड ब्रेक ने क्या बोला हुआ था कि जो दो तरीके से वेरिएबल उन्होंने इन्फ्लुएंस किया हुआ था फर्टिलिटी के लिए, पहला क्या था बैकग्राउंड वेरिएबल, और दूसरा क्या था यहां पे इंटरमीडिएट वेरिएबल। तो इनको इसको मैंने पीछे आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज द मतलब क्या क्या इसमें जो बैकग्राउंड वेरिएबल क्या था या इंटरमीडिएट वेरिएबल को जो भी चीज था वो सारा चीज मैंने आपको एक तरीके से पीछे एक्सप्लेन किया था। जस्ट लाइक दैट कि मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लो कि ये फर्टिलिटी है, ठीक है, मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं फर्टिलिटी हो गया, या उसके ऊपर हम लोग दे देते क्या इंटरमीडिएट, उसके ऊपर भी हम लोग दे दिया क्या बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहां पे ये बोला कि ये सभी के सभी आपस में एक तरीके से ऐसे इंटरकनेक्टेड है, मतलब पहले बैकग्राउंड फिर इंटरमीडिएट फिर फर्टिलिटी, तो इन सभी चीजों के ये बोला गया था बैकग्राउंड वेरिएबल एक तरीके से क्या बोल सकते हैं इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है फर्टिलिटी को। जैसे कि मतलब एक तरीके से ये अगर मान लो बैकग्राउंड को अगर हम बात करें फर्टिलिटी में तो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन अगर हम इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो वो क्या होता है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है फर्टिलिटी को। तो यहाँ पे यही चीज सब कुछ मैंने आपको समझा था कि कैसे एनवायरमेंटल कंडीशन हो गया, या जैसे मान लो एजुकेशन हो गया, या मतलब ये कह सकते हैं इकोनॉमिकल कंडीशन होगा, ये सभी के सभी क्या था बैकग्राउंड को एक्सप्लेन कर रहा था। उसी के रिगार्डिंग जैसे मैंने आपको समझाया था पीछे, जैसे फर्टिलिटी जैसे मतलब ये अर्लियर मैरिज हो गया, एज रिलेटेड कोई भी चीज हो गया मैरिज के रिगार्डिंग जो था, वो सभी के सभी एक तरीके से क्या था वो आपको इंटरमीडिएट के बारे में वहां पे बात कर रहे थे। तो ये एक थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू यहाँ पे आपको दे दिया कंसेप्ट ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी। अगर आपको और बेस से पूरा जाना है तो इससे प्रीवियस जो लेक्चर 7 है उसमें जाके आप देखना, वो आपको और अच्छे से मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया हो तो वो आपको और बेनिफिट पहुंच सकता है। देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या था, मैंने बोला था कि अपना नेक्स्ट टॉपिक किसमें पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन। देखो
सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन में आपको एक चीज याद रखना, ये दोनों एक तरीके से क्या है बहुत ही क्लोजली रिलेट करते हैं। किस चीज के रिगार्डिंग? एक दूसरे को, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन, वो एक दूसरे को क्या है क्लोजली रिलेट करते हैं, कि दोनों मतलब एक तरीके ये कह सकते हैं ना कि आपस में ही दे बोथ आर कॉज एंड द कॉन्सिक्वेंस ईच अदर, ये बोल सकते हैं। अगर मान लो अभी मैंने पीछे पूरा आपको समझाया, तो पॉवर्टी गरीबी है, तो गरीबी कहीं ना कहीं क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके पीछे मैंने आपको रीजन बताया था पीछे पूरा कि क्या होता है, कि पहली चीज तो क्या इलिटरेसी होती है। अगर मान लो कि हाई पॉपुलेशन है तो क्या होता है, वो पॉपुलेशन पॉवर्टी को लीड करता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन मैंने बताया क्या, इलिटरेसी होती है। दूसरा क्या होता है, एजुकेशन नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होता है। तीसरा क्या होता है, हेल्थ फैसिलिटी आपको नहीं मिल पाता। अगर हेल्थ फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा, इन द सेंस ये बोल सकते हैं कि अगर हायर रिसोर्सेस आपको नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली इंसान क्या करेगा, एक से दो, दो से चार, मतलब ये करेगा चार से पांच, मतलब एक तरीके से अपना जो वो होता है ना, मतलब बर्थ साइकिल, वो क्या करेगा, बढ़ाता रहेगा। क्योंकि उनको ये पता है कि अगर उनके पास जितना हैंड होंगे, रिसोर्सेस होंगे, उतना उसके लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। किसके रिगार्डिंग बेनिफिट होगा, ये समझना, क्या बेनिफिट होगा कि उसके, अगर मान लो कि वो पांच लोग उसके घर में है, पांच लोग अगर कमाने वाले, तो उसके पास क्या होगा, पांच तरीके से अर्निंग सोर्स वहां पे आएगा। तो उनके माइंड में ये चलता रहता है कि हमें अर्निंग सोर्स कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये चीज होता है, इसीलिए ये बोला जाता है कि अगर मान लो उसके पास हायर पॉवर्टी है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक के वहां पे क्या करो, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप एग्जांपल भी देख सकते हो, आप गांव, जैसे शहर में भी आप जाते हो तो क्या बोलते हैं, दो गांव दो शहर बसता है। आपने देखा होगा, एक झुग्गी झोपड़ी का शहर रहता है, एक क्या होता है, बड़े बड़े महलों का शहर रहता है। इसके पीछे रीजन यही है, वहां पे क्या होता है, प्रॉपर नॉलेज नहीं होता कोई भी चीज का। तो वो यहाँ पे इसी चीज के रिगार्डिंग बोला गया कि जो पॉपुलेशन एंड द पॉल्यूशन, पॉपुलेशन एंड द पॉवर्टी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। देखो इसके पीछे, देखो हाइयर पॉपुलेशन क्यों बढ़ता है, क्योंकि आपको ही पता है कि अगर मान लो कि वहां पे एक तरीके से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो इंसान क्या करेगा, इंसान के पास अगर काम नहीं रहेगा तो इंसान माइंड में क्या सोचेगा, अगर मान लो हम चार लोग रहते तो चार में से क्या होगा, तीन एटलीस्ट तो काम करते कर रहे होते। तो जैसे मान लो कि देखो, अगर हाइयर पॉपुलेशन, इसी के इसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, और देखो इसका इम्पैक्ट भी बहुत पड़ रहा है। आप समझ के देखें, अगर हाइयर पॉपुलेशन है तो आपके पास क्या होगा, मैंने ये बहुत अच्छे से समझा था कि लिमिटेड रिसोर्सेस भी हो सकता है, लिमिटेड रिसोर्सेस फॉर द पीपल। तो आपको एक चीज सोच लो कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो रिसोर्सेस अगर लिमिटेड है तो क्या होगा, हर एक इंसान को प्रॉपर जो उसकी बेसिस नेसेसिटी है वो उसको नहीं मिल पाएगा। आप सोच के देखना कैसे, अगर मान लो कि मैंने एक एग्जांपल पीछे भी आपको दिया होता, हमारे घर में अगर मान लो हम चार लोग रहते, लेटर सपोज हमारे घर में हम पांच लोग रहते हैं, ठीक है, हम लोग पांच मेंबर है, और हमें पता है कि हमें एक मंथ का खाना क्या है लेके आना है, तो ये पांच लोग हम लोग क्या कर लेंगे, आसानी से चला लेंगे। लेकिन इन केस हमें ये पता, क्योंकि अगर ये हम लोग एक मंथ का खाना लेके, तो हमें पता है कि हमारे पास ये रिसोर्सेस है, और हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज है वो हमने हमने अपने पांच लोगों के अनुसार से यहाँ पे लेके आए हुए थे। क्योंकि लेकिन अगर लेटर सपोज इसी पांच में से क्या होगा, चार लोग और ऐड हो गए, नौ लोग हो गए, मतलब पॉपुलेशन वहां पे क्या होगा, बढ़ गया। पॉपुलेशन जैसे बढ़ा, इन सच मैनर क्या होगा, हमारा जो रिसोर्सेस है वो क्या होगा, एज कम्पेयर टू अदर, या तो हमें जल्दी खत्म हो जाएगा, या दूसरी चीज क्या होगा, हमें वो बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिल पाएगा हमें, क्योंकि फिर क्या होगा, कट कट के चलाना पड़ेगा। जो चीज हमें पता था कि आज हम क्या करेंगे खाने में, मान लो रोटी सब्जी, या दो दो तरीके से सब्जी, या मतलब कोई भी बहुत अच्छी चीज खाएंगे, तो लेकिन हमें पता है कि पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा, तो हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से क्या होगा, हम वहां पे एक रोटी और एक एक तरीके का सब्जी ही वहां पे खा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, रिसोर्सेज आपके पास तो लिमिटेड ही है, क्योंकि अगर मान लो ये आप आज खर्च करो या 10 दिन बाद खर्च करो, तो सीधी सी बात है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस अनुसार से आपके पास क्या होगा, जो भी आपकी नेसेसिटीज है वो आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे यही बोला जाता है दो चीज, अगर हायर पॉपुलेशन है तो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, आप यहाँ पे समझना, ठीक है। हायर पॉपुलेशन का जो इम्पैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ, हायर पॉपुलेशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, पहले अनएम्प्लॉयमेंट बढ़। दूसरी चीज क्या हो गया, जो रिसोर्सेज हमारे पास क्या लिमिटेड है, तो हमारे हर एक इंसान के पास क्या पड़ेगा, वो प्रॉपर खाना या प्रॉपर उसकी जो नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट है लाइफ में, वो उसको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से क्या है ना, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ने का ये भी एक मतलब एक तरीके से रिसोर्स है, तो वहाँ गरीबी है, तो क्या बोला, ऑन दी अदर हैंड पॉवर्टी रिजल्ट इन द हायर इन इंक्रीजिंग इन द पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज है। अब देखो, अब इसी के रिगार्डिंग में आपको थोड़ा सा और यहाँ पे समझाता हूँ। मैंने क्या बोला था, अमॉन्ग द पुअर मोर एंड मोर चिल्ड्रन, अभी मैंने बताया,
क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर ज्यादा ज्यादा बच्चे रहेंगे तो वो क्या होगा, हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्सेज का काम करेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज का काम इन द सेंस क्या होगा, हमारे लिए क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से अर्निंग का सोर्स वो बन के आएंगे। तीसरा क्या होगा, दूसरा ये बोला गया कि यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे ये बिलीव करते। लेकिन ये चीज ये लोग सब भूल जाते हैं कि अगर मान लो आप 10 बच्चे 12 बच्चे आप पैदा कर ले, तो लेट सपोज आपने 6 बच्चे 5 बच्चे पैदा कर लिए, भैया तो 5 बच्चे आपने पैदा तो मतलब आपने बर्थ तो हो गया, लेकिन उस 5 बच्चों का प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन भी तो नहीं मिल पा रहा है ना। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो डेथ है वो, डेथ की संख्या भी क्या होती है, वो जो आप गरीबी में देखो पॉवर्टी के लोगों के साथ देखो, वो डेथ की संख्या भी क्या होती है, बढ़ती है वहां पे। क्यों? क्योंकि वहां पे ये देखा गया कि उनको प्रॉपर अफोर्डेबल या हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल पाता है, जो भी उनके लिए एक इनसिक्योरिटी का रीजन है, जो पीछे भी मैंने आपको ये चीज समझाया हुआ था। देखो सारा का सारा यहाँ पे यही चीज बोला जा रहा है कि आपको ये सारे से चीज आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ फिर बोला जा रहा है इसी इसीलिए क्या होता है ना, इसी कारण से जो पॉवर्टी, जो गरीबी में जो लोग जीते हैं, जो पॉवर्टी में जो लोग जीते हैं, ठीक है, उस उनके पास क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करने के अलावा कोई भी रीजन होता है, क्योंकि उनको ये पता होता है कि अगर उनके पास ज्यादा से ज्यादा चिल्ड्रेन होंगे तो क्या, अगर उसमें से कोई 2-3 या नहीं भी रहते हैं, इनकेस लेटर सपोज उनकी हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल पाई, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, 2-3 बच्चे नहीं भी रह पाते हैं, तो क्या होगा, उनको एटलीस्ट क्या होगा, 200 अगर 2 नहीं है तो 3 तो एटलीस्ट बचेंगे, या जितने बचे। तो इसी वजह से क्या होता है, ये जो मानसिकता वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पॉपुलेशन को और क्या करते हैं, ग्रोथ को वहां पे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक रीजन है पॉपुलेशन ग्रोथ होने का, ठीक है। कहीं ना कहीं देखो पॉवर्टी आता है, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में आप पढ़ोगे, या तो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा जब मैं पॉवर्टी का पूरा पूरा एक, आज मैं पॉवर्टी को एक पूरी तरीके से धज्जिया उड़ेद के रख दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं उनके पास लेस एजुकेशन होता है, ये भी मैंने आपको बताया। तो उनके पास क्या होता है, अवेयरनेस नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ता है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा वो प्रोड्यूस करते हैं। पुअर पीपल के पास ये भी चीजें देखो, वो क्या अफोर्ड नहीं कर पाते कॉन्ट्रासेप्टिव, जिससे क्या हो सकता है वो, क्योंकि इसके बारे में वो अवेयरनेस ही नहीं रहता, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज आपको मैंने बताया कि कुछ ना कुछ क्या होता है, रिलीजियस एक तरीके से क्या होता है, रिलीजियस ये लगता है कि हमारे धर्म में ये सब चीज नहीं होना चाहिए, तो ये लोग भी, वो लोग भी क्या करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव या कोई भी जो मतलब एक तरीके से वो यूज नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ वहां से भी होता है। फिर क्या होते हैं, एक तरीके से ये समझना, जब अगर हम लेटर सपोज अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हमने क्या कर दिया, पीपुल्स को अगर हम इंगेज करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह के बारे में या कोई भी चीज के बारे में, तो वो क्या होता है, वहां पे अगर पीपुल ये चीज यूज करते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, बर्थ रेट क्या होगा, कंट्रोल में रहेगा, ठीक है, बर्थ रेट क्या होगा, कंट्रोल में रहेगा, समझना, बर्थ कंट्रोल में रहेगा। लेटर ये पहला चीज है। दूसरा चीज आप देखो, जैसे ही अगर मान लो कि उनको उनके पास मतलब अवेयरनेस नहीं है इस चीज के रिगार्डिंग, तो क्या होगा, पुअर पीपल के पास अवेयरनेस नहीं रहता है, तो ये भी एक रीजन है किसके लिए, हाई बर्थ रेट का, ठीक है। तो ये किसके पास बोला जा रहा है, मैं पुअर पीपल के बारे में बात कर रहा हूं, अभी के मैं रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, ठीक है। और तीसरी चीज आप एक चीज समझना, तीसरी चीज क्या होगा, जो पुअर जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन एक तरीके से ये देखा गया, ये भी एक तरीके से क्या है, सोर्स ऑफ द एक तरीके से क्या, एंटरटेनमेंट है। आपने देखा है कि आज के समय में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो भी मतलब एक तरीके से पैदा होते हैं, तो आपने देखा होगा, क्यों, क्योंकि आपने ये चीज देखा होगा, यहाँ पे एक चीज देखते हो, आजकल एक मूवी भी आपने देखा होगा, जैसे मुझे सरोगेसी के रिगार्डिंग मूवी आया हुआ, तो मुझे नाम एक्चुअल में याद नहीं है, तो आपने बहुत ऐसा मतलब सोशल मीडिया या बहुत ऐसा चीज में आपने आजकल में देखा होगा कि ये सब मूवी क्या होता है, बहुत ज्यादा इंसान बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, छोट गरीब बच्चों या गरीब लोगों के साथ क्या, गरीब लोगों को पैसा दे के अपने बच्चे को वहां से क्या करते हैं, सरोगेसी करवाते, जिसको हम लोग कह सकते हैं मतलब एक तरीके से वहां से बच्चे को क्या करते हैं, वो मतलब एक तरीके से अपने अपना बच्चा किसी और के कोख से पैदा करवाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज आज के दौर में क्या हो गया, एक अवेयरनेस भी फैलाया जा रहा है किसके रिगार्डिंग, मोबाइल के थ्रू या सोशल मीडिया, जिसको हम लोग एडवर्टाइजमेंट कह सकते हैं, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट का हम लोग यहाँ पे एक सोर्स बता सकते हैं कि किस चीज का, कि इंसान क्या कर सकता है, कि मतलब वो एक तरीके से इंपॉर्टेंट समझे कॉन्ट्रासेप्टिक का, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक रीजन थे पुअर या पॉवर्टी या पॉपुलेशन में कैसे कोरिलेट करते हैं आपस में हर एक चीज को, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये भी यहाँ पे कुछ मैंने आपको ड्रॉबैक्स भी बताए, कुछ आपको मैंने यहाँ पे ये भी चीज बताया कि क्या होता है, मतलब कैसे हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिक का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे यूज करना चाहिए, जो मतलब एक तरीके से पॉपुलेशन में कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो ये एक बेसिक आपका जो टॉपिक था पॉवर्टी एंड द पॉपुलेशन, वो कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या कैसे इंपैक्ट करता है, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया। और अपना जो इसी के रिगार्डिंग अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है पॉवर्टी, पॉवर्टी मैं आपको यहां पे एक एक चीज समझा दूंगा बेसिक से लेके पूरा।
देखो मैं आज पॉवर्टी के बारे में एक एक चीज में बेसिक क्या क्या, जैसे गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव लिया, वो सारा चीज मैं कोशिश करूंगा आपको यहाँ पे समझा देने का, ठीक है, जिससे आपको कभी भी आगे कोई प्रॉब्लम ना आए, ये मेरा सोचना होगा, ठीक है। जैसे देखो अगर हम पॉवर्टी लिखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉवर्टी अगर मान लो कोई भी फैक्टर तो होगा ना, कुछ तो ऐसे फैक्टर होगा जो इसको मतलब एक तरीके से बढ़ावा दे रहा है, या इसको मतलब एक तरीके से ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे डाल रहा है बढ़ावा देने का, मैं ये बोल देता। तो कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो गिव्स कर दो, जो गिवन द राइज टू किसके लिए, टू पॉवर्टी इन इंडिया, इंडिया में जो गरीबी बढ़ रहा है उसके पीछे कुछ ऐसे रीजन्स है, तो वही जो रीजन्स है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग अगर मान लो कि कुछ ऐसे रीजन्स है, तो यहाँ उसी के बेसिस में किसी को ये तो नहीं पता ना कि व्हाट डू मीन पॉवर्टी, ये भी बताना है, ये अगर हो तो बता देना, मैं ये भी बता दूंगा, ठीक है, नहीं तो आगे मैं जैसे अभी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव बताऊंगा तो उसमें हो सकता है मैं ऐड ऑन कर ही दूं, ठीक है। लेकिन चलो मैं करंट बेसिस यहाँ पे बताऊं, तो कुछ ऐसे चार अगर आपसे कोई रीजन, मैं आपको यहाँ पे चार मोटा मोटा चार रीजन बताऊं, तो सबसे पहला एक तरीके से रीजन क्या था, इकोनॉमिकल इकोनॉमिक फैक्टर। दूसरा अगर यहाँ पे हम बात करें तो क्या कि सोशियो सोशियो कल्चरल। तीसरा ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ये पता होना चाहिए। तीसरा क्या होगा, पॉलिटिकल। चौथा क्या हो गया, एक तरीके से जियो, ये बोल सकते हैं क्या, जियोग्राफिकल। देखो ये चार टोटल इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो गरीबी के रिगार्डिंग अगर बोले तो फैक्टर जो कि एक तरीके से रेज करता है, द फैक्टर विच गिविंग द रेज टू द पॉवर्टी इन इंडिया। तो ये चार इसी इसी चार बेसिस पे उसको क्या कर दिया, क्लासिफाई किया गया। तो देखो सबसे पहले अगर हम वन बाय वन पढ़ते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर मान लो पॉवर्टी, अगर हम मान लो पॉवर्टी अगर का सबसे पहले हम लोग लेते हैं इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में, अगर हम बात करते हैं, अगर हम सबसे पहले इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में अगर हम बात करें, तो देखो इकोनॉमिकल कंडीशन में आपको एक चीज पता होना चाहिए, इकोनॉमिकल कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसके रिगार्डिंग। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड पॉवर्टी अगर हम बात करते हैं, तो कैसे अगर आपसे कोई पूछा जाए, तो देखो क्या होता है इंडिया में, आपको पता है पहले क्या होता था इंडिया में, अगर आपको पता है कि एग्रीकल्चर बोला जाता है, एग्रीकल्चर आज के समय में अगर हम बात करें तो आज के समय ओनली 18% GDP कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अब देखो मैं एक एक चीज यहाँ पे लिखा रहा हूँ, ये मैं अब पॉइंट वाइज लिखा हूं या आपको ये बोल दू क्या एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ओनली यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इन इंडिया एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट ओनली 18% GDP, लेकिन अगर हम बात करें किस पे, लेकिन इसी एग्रीकल्चर 18% ओनली GDP अगर हम बात करें, तो इंडिया के 50% पॉपुलेशन क्या ना डिपेंडेंट है, 50% पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। देखो सबसे बड़ा रीजन एक चीज समझना यहाँ पे, अभी इकोनॉमिकल कंडीशन जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ उसके पीछे देखो रीजन क्या है, यहाँ पे क्यों इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो रहा है, क्योंकि देखो इंसान एक तरीके से क्या ना, इंसान एक तरीके से ये बोल सकता है उनको अपने लाइफ को चलाना है, उनको क्या ना अपनी लाइवलीहुड को चलाना है, तो वो क्या कर सकता है, उनको ये लगता है कि मेरे पास ये खेत है, लेट सपोज उनके पास ये खेत था, तो उसने क्या बोला कि मेरे पिताश्री या मेरे दादाजी ने इसी खेत पे काम किया, तो उस समय क्या था उनको ये लगा था कि वो उसके दादाजी एक भाई, उनके पिताश्री भी एक ही भाई, लेकिन वो क्या हो गया तीन भाई हो गए। अब क्या होगा उनके पास, जब उनके पास प्रॉपर एक तरीके से एजुकेशन नहीं था या फैसिलिटी नहीं था, तो वो तीन भाई क्या कर दिए इसी खेत पे काम करने लगे। अब एक चीज समझ रहा, अगर वो स्किलफुल होते हैं, लेट अस सपोज वो तीन भाई में से कोई, तीन भाई अगर मान लो स्किलफुल होते हैं, तीनों भाई अगर मान लो कोई एक भाई मान लो कि डॉक्टर होता है, दूसरा भाई अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्या IPS होता है या IAS होता है, या तीसरा ले लो अगर यहाँ पे मान लो तो एडवोकेट होता है, वो तीनों भाई अगर ये होते हैं तो क्या उनको एक तरीके से एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने फील्ड में एक तरीके से महारत हासिल कर लिया, और वहां पे वो क्या कर सकते हैं अपने सोर्स ऑफ इनकम या किसी को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ सर्विस उनको क्या करना है पैसा वहां पे किया जाता है। देखना इकोनॉमिकल कंडीशन में कैसे खराब हो रहा है, और हमें पता है आज के समय में सर्विस एग्रीकल्चर से सेक्टर से पहले भी क्या है, अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर, लेकिन देखो सर्विस सेक्टर आज के दौर में ग्रो कर रहा है, लेकिन ओनली तभी ग्रो कर, यहाँ पे वही लोग जॉब कर सकते हैं जिसके पास स्किल है, ठीक है, और स्किल होने के लिए क्या ना आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो अब देखो यहाँ पे मैं अभी दो, यहाँ पे दोनों को मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या ना 18% GDP का ये है भारत में होता है, जिसमें 50% पॉपुलेशन काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन वही चीज सर्विस सेक्टर में बात करें तो सर्विस सेक्टर में क्या है सबसे ज्यादा मतलब एक तरीके से हमारे GDP में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना बहुत कम लोग 30-25% लोग यहाँ पे काम करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये सभी के सभी स्किलफुल है, लाइक दैट जैसे डॉक्टर होते हैं,
दूसरा हम लेके चले आईटी सेक्टर वाले होते हैं, तीसरा अगर हम लेके चले जो एडवोकेट होते हैं, सभी के जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं आज के दौर में देख लो, तो ये जो भी चीज है ये लोग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो सर्विस प्रोवाइड करने के साथ क्या करते हैं, भारत में एक तरीके से क्या होता है, ये टैक्स पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं तो अपने भारत में क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली अपना ये योगदान कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर अपने भारत में क्या ना बहुत ही खस्ता हालत है, अगर मैं सच बताऊं तो। अभी मैं बैक टू माई वर्क, बैक टू माई मतलब वर्ड्स आता हूँ। अभी जो तीन भाई थे उन तीनों भाई के पास क्या प्रॉपर नॉलेज नहीं था, तो वो तीनों भाई ने क्या कर दिया, अपना ये जमीन के टुकड़े को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना, तीन पार्ट में डिवाइड किया। तीन पार्ट में बोला भैया अब एक पार्ट तुम लो, एक पार्ट हम लेंगे, एक पार्ट हम लेंगे। अब इस जमीन के टुकड़े पे कोई एक भाई भी काम कर सकता था, दो भाई क्या कर सकता, बाहर जाके सोर्स ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ अर्निंग प्रोवाइड करा सकता था, लेकिन उसके पास ड्यू टू द मतलब नॉट दे डोंट हैव द सफिशियंट नॉलेज या सफिशियंट स्किल अबाउट एनीथिंग, तो उनको क्या करना पड़ा, इसी जमीन के टुकड़े पे क्या करना पड़ा, अपने आप को गुजारा करना पड़ा। तो ऐसा ही ऐसा अपने भारत में 50% ऐसी पॉपुलेशन है जो अपने मतलब रोजी रोटी चलाने के लिए क्या करते हैं, एक तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर में ही एक तरीके से रह जाते हैं। आप एक चीज सोच के देखो ना, आप एक चीज बताओ मुझे, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या कभी बोलता है किसान, एक चीज देखो, पॉलिटिशियन का बेटा बोलता है कि मैं, का बाप बोलता है कि वो मेरा बेटा भी पॉलिटिशियन बनेगा, मान लो कि जो जैसे मान लो कि डॉक्टर का बेटा क्या बोलता है, मेरा डॉक्टर बेटा डॉक्टर बनेगा, बिजनेसमैन का बेटा क्या बोलता है, मेरा बेटा बिजनेसमैन बनेगा। कभी भी भारत में फार्मर का बेटा, ये फार्मर का जो है वो अपने बेटे को बोलता है कि तुम भी मतलब एक तरीके से क्या बोलता है कि फार्मर बनो, नहीं, कभी नहीं बोलता, वो मजबूरी में बनता है। क्यों? क्योंकि उसके फादर ने वो सारा चीज झेला हुआ, नॉट दे डोंट हैव द स्किल, प्रॉपर स्किल या मतलब या कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अब वो चीज डेवलप हो रहा, आई नो अबाउट दैट, बट पहले ये चीज नहीं था। तो यहाँ पे एक तरीके से ये बोला जाता है, ये जो इकोनॉमिकल कंडीशन, ये भी एक तरीके से क्या ना बहुत बड़ा रीजन है पॉवर्टी का। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि आज जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में वो सफर कर रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, वो आज के दौर में बहुत सफर कर रहे हैं। ये इनके पास क्योंकि क्या होता है, उनके पास वो एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, वो आपने कभी भी एक चीज आपने देखा है कि एग्रीकल्चर में, एक मिनट क्या हो गया, हाँ, कभी भी आपने ये देखा है कि वो मतलब एग्रीकल्चर में कोई भी न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं होता, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये सभी के सभी जो भी जो जो लोग भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं वो दे विल लीड टू द पॉवर्टी, ये चीज आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर यही चीज बताओ क्यों, क्योंकि देखो इसके पीछे भी एक रीजन है, आप एक कंडीशन समझना, अगर भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर आज के दौर में भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर पीक पे होता, पीक पे मतलब इसको ये कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आज के दौर में अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत का अगर स्ट्रांग होता ना, तो ये जो एग्रीकल्चर में जो डिपेंडेंट है ना, वो ये हम बता सकते हैं कि वो भी आज के दौर में अपने आप को बिजनेसमैन बोलते हैं, जस्ट लाइक यूएसए। आप यूएसए के बिजनेसमैन से जाके एग्रीकल्चर जो फार्मर्स उससे मिलो, वो एक तरीके से बिजनेसमैन कहलाते हैं वहां पे, दे आर नॉट कॉल्ड द फार्मर्स, दे आर कॉल्ड एज ए बिजनेसमैन। कुछ कुछ लोगों के पास वहां पे अपना चौपर भी होता है। और भारत में आप देखो, एक मूवी अभी आपने देखा जवान, उसमें क्या आपने आपको क्या दिखाया गया, देखा ना कितना कितना दयनीय कंडीशन है भारत में। तो अगर भारत में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आज अगर मान लो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो ग्रोथ है वो अच्छा खासा होता, तो अपने भारत में भी क्या होता, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्रोथ अच्छा होता तो रॉ मटेरियल की जो रॉ मटेरियल की जो मतलब रिक्वायरमेंट होती वो ज्यादा होती, तो लोग क्या करते हैं, लेटेस्ट टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराते किसमें, एग्रीकल्चर में, और वो लोग क्या करते हैं मतलब एक तरीके से रॉ मटेरियल को क्या कर सकते हैं, एक तरीके से अच्छा जल्दी से जल्द ग्रो करवाते हैं। क्योंकि आपको पता हर एक चीज को बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है रॉ मटेरियल, और भारत में आपको पता ही है कि बहुत ऐसे भारत एक डिफरेंट डिफरेंट सिटी या कंट्री स्टेट में बोल दो कि बहुत ही अच्छे अच्छे वो मतलब एक तरीके से अपना रिवर का फ्लो होता है, जैसे गंगा का फ्लो देख लो 5 स्टेट में होता है, तब जाके बंगाल में जाके गिरता है, यमुना का फ्लो देख लो बहुत अच्छा, गोदावरी का फ्लो देख लो, कृष्णा का फ्लो देख लो, हर एक स्टेट में कोई ना कोई मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं मतलब एक तरीके से कोई ना कोई एक रिवर फ्लो करता ही करता। हाँ, अभी अपने अपनी कंट्री अपनी गवर्नमेंट अभी क्या ना बहुत ऐसे इनिशिएटिव, जैसे वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट हो गया, मैं सब कुछ यहाँ पे बता रहा हूँ, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट हो गया, जैसे कि फिर मान लो कि अपना जो मतलब लोकल एग्रीकल्चर का लोकल जो भी मतलब प्रोडक्ट है उसको मतलब एक तरीके से प्रमोट करना, तो यहाँ पे यही बोला जाता है अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि अगर मान लो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग आपके पास होता तो कंटिन्यूसली अपने भारत में क्या होता, प्रोग्रेस होता मैन्युफैक्चरिंग का, और मैन्युफैक्चरिंग का प्रोग्रेस होता तो वहां पे क्या होता, ज्यादा से ज्यादा मोर एंड मोर ये बोल सकते हैं, वहां पे अगर मालूम मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होता तो वहां पे क्या होता, मोर एंड मोर
एक मतलब सॉरी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहां पे होता है। तो यहाँ पे ये ही एक सबसे बड़ा रीजन ये कह सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लो कि एग्री मतलब ये चीज होता है, तो सीधी सी बात है कि अपने पास भारत में जीडीपी में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। लेकिन अगर अभी हम राइट नाउ कंडीशन की बात करें, तो ओनली 15 to 16%, 15 to 16% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है मैन्युफैक्चरर का, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है मैन्युफैक्चरिंग का। तो देखो ये एक बेसिक चीज है, क्यों कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है मैं ये बताऊं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से अभी मैंने आपको बताया क्या, जो प्रॉपर सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, और इसी की वजह से जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी होता है कोई भी सोसाइटी में, वो आपको पता है कि अगर मान लो कि अगर इकोनॉमिकल मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इसी की वजह से जो अपने भारत में जो एक तरीके से ये कह सकते हैं जो इन्वॉल्व है या कोई भी चीज़ है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी की बात करें हम, तो आज के लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होता है, सर्विस सेक्टर में सभी के सभी स्विच करने का कोशिश कर रहे हैं। सिमिलर क्या है ना, सर्विस सेक्टर में वो लोग क्या करते हैं, स्विच करने का यहाँ पे कोशिश करते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है। तो ये अपने पास कुछ इकोनॉमिकल जो एक तरीके से अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन की यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये अपने पास कुछ क्या था, इकोनॉमिकल कंडीशन का यहाँ पे हमने बात किया। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एक चीज यहाँ पे मैं बेसिक आपको क्लियर करा सकूँ। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। मेरे मेरे को जितना मतलब मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये चीज नहीं समझ आया, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको और मतलब एक तरीके से क्या करता हूँ, बेसिक से बेसिक तरीके से मैं आपको क्या कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ। अगर लेकिन इसके पीछे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरा हम लोग यहाँ पे चलते किसके रिगार्डिंग, दूसरा हम चलते क्या, सोशियो कल्चरल। तो देखो दूसरा यहाँ पे क्या ना, सोशियो कल्चरल फैक्टर के रिगार्डिंग। देखो मैं हर एक दिन मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा, हर एक अल्टरनेट डे पे वीडियो अपलोड करूंगा, अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा है, मान लो मुझे 20 लोग भी 30 लोग भी अगर देखे, क्योंकि सोशियोलॉजी ऑप्शनल एक ऐसा बेस्ट मतलब ऑप्शनल है, अगर किसी को मतलब इस चीज के रिगार्डिंग, सोसाइटी के रिगार्डिंग अगर अच्छा खासा नॉलेज हो जाए, तो वो पेपर में ये बोला जाता है कि बहुत अच्छा खासा मार्क्स वहां से लेके आ सकता है, ठीक है। तो दूसरा अपने पास फैक्टर क्या था, दूसरा है यहाँ पे सोशियो कल्चरल फैक्टर, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो को बहुत ही लिमिटेड 30 to 35 मिनट का रख रहा हूँ, जिससे क्या ना आप प्रॉपर देख सको, 1 घंटे का बनाने का कोई भी फायदा नहीं है। तो दूसरा अपने पास क्या है ना, सोशियो कल्चरल फैक्टर। तो देखो सोशियो कल्चरल फैक्टर हम यहाँ पे फुल फॉर्म में लिख ही देते ना, तो बोलेगा क्या सर, सोशियो कल्चरल फैक्टर। देखो सोशियो कल्चरल फैक्टर एक तरीके से ये भी बहुत बड़ा रीजन है, आपको ही पता है। देखो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है पॉवर्टी का, क्योंकि इस कंडीशन में आपको पता है इसमें कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं, जैसे मान लो कि हायर पॉपुलेशन, आपको मैंने बताया पहले भी, तो ये भी एक तरीके से देखो हायर पॉपुलेशन, मैंने एक बोलना नहीं चाहिए मुझे, मतलब मैं कहीं पे मतलब हम लोग मेरी फैमिली के साथ हम लोग कहीं जा रहे थे, तो एक हमारे अंकल थे, उनके 7 या 8 बच्चे थे, हाँ शायद 7 या 8 उनके बच्चे थे। मुझे ये नहीं समझ आया जब उनसे बात किया, तो वो बोलते हैं कि ये हमारे हाथ में थोड़ी ना है, और इन्होंने मतलब एक तरीके से क्या ना भगवान के ऊपर या अल्लाह के ऊपर इनके ऊपर उन्होंने टाल दिया कि ये उनके हाथ में, वो दे रहे हैं तभी तो हम ले रहे हैं। मतलब कैसी सोच थी उस समय हम लोग, मतलब मैं तो उस समय आई थिंक 10th या 11th में होंगे, तो मैंने कहा यार ये कैसा लॉजिक था। उस समय भी तो हम लोग मतलब मान लो 10th में बायोलॉजी पढ़े हुए थे, या 11th में भी हम लोगों ने कुछ बेसिक तो कंसेप्ट पढ़ा हुआ था, तो उनकी मानसिकता हम लोगों ने उस समय देखी, तो वो बोलते कि अल्लाह सॉरी भगवान दे है या अल्लाह दे है तो कोई नहीं ले। तो ऐसा हमने सुन के मुझे उस चीज का बहुत बुरा लगा कि यार तुम एजुकेटेड इंसान हो, तुम्हारे पास अगर 8 बच्चे पैदा करने से अच्छा 2 बच्चों को पैदा करो और प्रॉपर नॉलेज दो। तो लेकिन नहीं था उनको यहाँ पे भी क्या था, सोशियो कल्चर फैक्टर एक तरीके से, जिसमें आपको पता है मैंने बताया क्या ना, हाई पॉपुलेशन के रिगार्डिंग अभी मैंने पीछे ही आपको पूरा समझाया, एक बेसिक आपको मैंने वहां पे क्लियर करवाया, और ये बहुत ज्यादा एक तरीके से इंपॉर्टेंट रीजन है हाई पॉपुलेशन, सबसे बड़ा रीजन है पॉवर्टी का। दूसरा अगर यहाँ पे हम बात करें पैट्रियार्कल मतलब क्या है ना कि आजकल वो, अभी मैंने जब फर्टिलिटी के बारे में बताया था, तो मैंने एक आपको लाइन वहां पे बताया हुआ था, अगर आपने मतलब जो मैंने अगर सही से वहां पे आपने समझा होगा जो मैंने आपको समझाया था, तो पैट्रियार्कल मतलब क्या होना, उनका ये माइंड में था कि हमें बच्चे में मतलब ये बोला जाए प्रेफरेंस ऑफ सन, मतलब एक तरीके से क्या है ना हमें प्रीफ्रेंस सन का होना चाहिए, उसके लिए उसको 5 6 बच्चे गर्ल्स भी क्यों ना हो जाए, लेकिन उसको क्या है ना एक लड़का चाहिए चाहिए। तो ये एक तरीके से क्या था पैट्रियार्कल सोसाइटी का, किसके लिए, फॉर मेल चाइल्ड, ये चीज याद रखना फॉर मेल चाइल्ड इट इज, जिसकी वजह से क्या होता है वहां भी एक तरीके से रीजन है पॉपुलेशन बढ़ने का। तीसरा अगर हम बात करें रिलीजियस बिलीफ,
रिलीजियस बिलीफ, मैंने ये भी चीज आपको फर्टिलिटी में समझाया, तो रिलीजियस बिलीफ, क्योंकि देखो रिलीजियस बिलीफ में एक तरीके से सबसे बड़ा रीजन है किसके रिगार्डिंग, एक तरीके से ये बोला जा सकता है हायर पॉपुलेशन के रिगार्डिंग। क्योंकि देखो अगर मान लो पॉपुलेशन बढ़ता है, ये इंसान कोई नहीं समझ रहा, इंसान सिर्फ समझ रहा है कि ये सब चीज करने से पॉपुलेशन बढ़ाने से क्या होगा हमारा अपना जनरेशन। लेकिन यार तुम सबसे बड़ी बात देखो, हायर पॉपुलेशन तो तुमने कर लिया, ठीक है हाई पॉपुलेशन बहुत ही अच्छी बात है, शानदार जबरदस्त, लेकिन भाई आपके पास रिसोर्सेस तो लिमिटेड है ना। रिसोर्सेस क्या, बट अगर हम बात करें, बट रिसोर्सेस लिमिटेड, समझना इस चीज को, रिसोर्सेस आपके पास लिमिटेड, आप पॉपुलेशन बढ़ा के क्या ही कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, आपके पास रिसोर्सेस की कमी हो जाएगी एक समय के बाद में। गांधी जी का एक क्वेश्चन क्या था कि अगर आप, अगर हमारे पृथ्वी पे क्या है ना, अगर आप मतलब एक तरीके से अपने आवश्यकता अनुसार अगर काम करो तो अपने पृथ्वी पे रिसोर्सेस बहुत ही सफिशियंट है, अगर आप लालच के लिए काम करोगे तो आपके पास वो रिसोर्सेस क्या पड़ेगा, कम पड़ जाएगा। तो देखो अभी वही चीज मैं बता रहा हूँ, रिसोर्सेज अगर आपका कम है तो, क्योंकि देखो अगर उसको पीपुल्स को क्या होगा, रिसोर्सेज कम होगा तो मैंने पीछे ही बताया पीपुल्स को क्या होगा, बेसिक नेसेसिटी नहीं मिल पाएगा। अब बेसिक नेसेसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एजुकेशन। देखो एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया का, अगर हम बात करें एक तरीके से, जो भी एक तरीके से अगर हम बात करें, जब एजुकेशन ही नहीं आपको प्रॉपर मिल पाएगा तो आप ये बता दो ये भी एक तरीके से क्या ना पॉवर्टी का सबसे बड़ा निशानी है कि नहीं है, सोच के देखो। क्योंकि हर एक इंसान के पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं पहुंचेगा तो उसे क्या पता चलेगा, व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रासेप्टिव, व्हाई हम लोग को सिर्फ दो ही बच्चे रखने चाहिए, क्यों हम लोग को अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज करना चाहिए। तो अगर उसके पास अगर एजुकेशन ही नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा, जो है वो जैसे मैंने पीछे बताया वो सारा का सारा वो एक तरीके से क्या होगा, प्रॉपर नहीं मिल पाएगा यहाँ पे जो एजुकेशन, तो जो पीछे मैंने बताया हायर पॉपुलेशन लिमिटेड रिसोर्सेज वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा वहां पे क्या है ना रीजन है, सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे यही बोला जाता है, क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना, प्रॉपर स्किल आपका नहीं डेवलप हो पाएगा, प्रॉपर स्किल डेवलप होने में आप क्या करोगे, फेल हो जाओगे। देखो मैं सारा चीज यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या करेगा, अगर स्किल आपके पास नहीं मिलेगा तो फिर वही चीज आपके क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट आपको क्या पड़ेगा, आपके अनुसार नहीं मिल पाएगा, फिर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाओगे, फिर आपको वहां पे जो मिलेगा उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही चीज बोला जाता है, ये सारा का सारा एक तरीके से चीज क्या है ना, आपस में इंटरलिंक्ड और कोरिलेटेड है। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको एक तरीके से पॉवर्टी या मतलब उसके रिगार्डिंग सारा चीज यहाँ पे मैं समझा पाऊँ। तो ये एक तरीके से एजुकेशन नहीं होने का कितना बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ रहा है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो इसमें कोई अगर इशू हो तो मुझे बताओ, और आगे अभी हम लोग और देखेंगे, जैसे पैट्रियारिकल से लीडिंग हो गया, पैट्रियारिकल लीडिंग हो गया, उसके बाद हम लोग जैसे अभी रिलीजियस के बारे में बोले, कास्ट बेस्ड सेटिस्फेक्शन हो गया, वो सारा चीज अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए चलेंगे, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि, और आशा ये करता हूँ कि अभी तक जो अगर आपने यहाँ तक समझा होगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो देखो मैं बेसिक यहाँ तक अभी आपको समझाया, इसमें अगर कोई इशू हो तो आप मुझे बता सकते। इसी के साथ अपना जो ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8 यहाँ पे अभी कंप्लीट होता है। कंप्लीट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देखो ये 32 या 35 मिनट का हो चुका है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इससे ऊपर नहीं जाने दूं मैं लेक्चर को, और मैं अभी इसको और कंटिन्यू करूंगा, इसमें मैं बहुत चीजें बताऊंगा, जो भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है वो सारा चीज मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो प्लीज आप हमारे चैनल पे बने रहें, और अगर आपने लास्ट तक इस चैनल को देखा है तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दो चैनल को, जिससे आपको क्या कर सकता है लेटेस्ट एक एक इन्फॉर्मेशन। अभी मैं बता रहा हूँ कि इस मेंस को तो छोड़ दो, अगले जो मेंस आएगा उसमें जो इंसान बैठेगा उसको अगर सोशियोलॉजी में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं लिटरली अपना चैनल पे यहाँ पे पढ़ाना बंद कर दूंगा, मैं इससे ऊपर कुछ नहीं बोल सकता। मैं इतना प्रॉपर टॉपिक प्रॉपर नॉलेज के साथ मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ, कोई ये टाइम पास के लिए नहीं बैठा हूँ, कुछ भी बोल के चला जाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज आप हमारे चैनल पर बने रहें, और उनको जरूर शेयर करो जिसको इस चीज की रिक्वायरमेंट है। ऑप्शनल सोशियोलॉजी ऑप्शनल यहाँ पे आपको फुल ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा, और पूरी तरीके से आपको यहाँ पे मतलब एक तरीके से प्रॉपर करंट के साथ सारा नॉलेज मिलेगा। यहाँ अगर मान लो मैं लेक्चर में करंट नहीं ले पा रहा हूँ तो मेरा जो टॉपिक वाइज करंट चल रहा है उसमें जाना आपको पूरा चीज मिलेगा, कोई भी इशू नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। इसी के साथ अपना ये लेक्चर मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर मिलेंगे हम अभी इसी कंटिन्यूटी के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में। जय हिंद जय।